हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड दोस्तों, फिर से स्वागत है फिक्स दैट रश के एक नए एपिसोड में। और गाइज, अगर आपके पास कोई रश अकाउंट है, उसे आप ठीक करना चाहते हैं, उसे फिक्स करना चाहते हैं, उसे मैक्स करना चाहते हैं, तो ये वाली सीरीज़ आप फॉलो करें। इस सीरीज़ के दूसरे वीडियोज़ जो मैंने अपलोड करें, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अब आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज की ये एपिसोड शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चार बिल्डर्स फ्री हैं, बहुत सारे बिल्डर्स फ्री हैं। बहुत दिनों बाद मैंने ये नोटिस किया कि एक साथ मेरे चार बिल्डर्स फ्री हुए हैं, तो काम बहुत है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। जो रिसोर्सेस है मेरे पास अभी फिलहाल, वो है कुछ गोल्ड है, कुछ एलिक्सिर है, डार्क एलिक्सिर भी थोड़ा बहुत है, पर उतना इनफ नहीं है कि मैं हीरो अपग्रेड कर सकूं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी जो क्वीन है उसे 16 कर ली है, 15 हमने हीरो भी कर लिया है किंग को। और अब जो नेक्स्ट एम है हमारा, वो है 2020 के किंग एंड क्वीन। देखते हैं कितना टाइम लगता है उसे कंप्लीट करने में। तो चलिए गाइस, कुछ अटैक्स करते हैं, डिफेंसिस कुछ अपग्रेड करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पॉसिबली कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट अटैक में चलता हूं। और एलिक्सिर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, मीनवाइल गोल्ड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। रश अकाउंट में आपको कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पर्टिकुलरली एक रिसोर्स चाहिए होता है, सब कुछ आपको कम ज़्यादा चाहिए होता है। और बहुत ज़्यादा लूट की डिमांड रहती है यहाँ पे। ये लूट तो बहुत बुरी नहीं है, पर ये बेस थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि रश अकाउंट से ऐसे बेसिस को 3 स्टार करना और पूरा जो लूट है वो ग्रैब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़े इजी बेसिस हम लोग फाइंड करेंगे, और अगर कहीं डेड बेस मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया। गाइज, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एलिक्सिर है, गोल्ड भी ठीक ठाक है, तो इस बेस में हम लोग अटैक करेंगे और देखते हैं। आराम से, देखने की कोई जरूरत नहीं, आराम से इस बेस को हम लोग 3 स्टार भी करेंगे, एंड ये जो लूट है वो भी पूरा हम लोग यहाँ पे हासिल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस क्लैन कासल को लूर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और क्लैन कासल यहाँ पे है, थोड़ा सा दूर है क्लैन कासल, मेरे ख्याल से निकल नहीं पाएगा। मैं कोशिश करके देखता हूँ क्या होता है। 4 हॉग राइडर्स हैं जिसकी मदद से क्लैन कासल को लूर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और कौन से पॉइंट से करूँगा मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं डिप्लॉय करूँगा मेरे को लग रहा है कि ये वर्क नहीं करेगा। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे मैं किंग एंड क्वीन को डिप्लॉय करता हूँ। और सपोर्ट के लिए एक बेबी ड्रैगन है मेरे पास, जिसे मैं कहाँ डिप्लॉय करूँ, आई गेस यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा सा फनल क्रिएट हो इस साइड में। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अपने सीसी के जायंट्स और मेरे विजर्ड्स जाके यहाँ पे फनल क्रिएट करेंगे, और देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है कि सही जाएगा अटैक। क्लैन कासल से कुछ माइनर्स निकले हैं जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, तो मैं उन्हें पॉइजन कर देता हूँ माइनर्स को। एंड चलो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब अपने सारे माइनर्स को मैं ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद स्पेल्स वगैरह डिप्लॉय करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो सब कुछ सही जा रहा है गाइस, हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं इस अटैक में। बेबी ड्रैगन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर लेनी पड़ेगी अब। तो सारे माइनर्स जो है फनल हो चुके हैं और बिल्कुल सेंटर पर जा चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अभी हील स्पेल मैंने डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि कोई ज़रूरत भी नहीं है हील स्पेल डिप्लॉय करने की। अब फर्स्ट हील मैं शायद यहाँ डिप्लॉय करने वाला हूँ, और उसी के साथ सेंटर में मैं रेज डिप्लॉय कर दूंगा। बिल्कुल सही, बहुत सही जा रहा है अटैक। और यहाँ पे बहुत सारे डिफेंसेस हैं, तो यहाँ पे एक फ्रीज करते हैं। बिल्कुल सही, तो अभी भी हमारे पॉगराइडर्स पड़े हैं जो मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा, ताकि ये जो कैनन है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और ये बेस आराम से क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक हील और ये बेस जो है आराम से अब क्लियर हो जाएगा। और लूट भी काफ़ी अच्छी मिली हमें, खास करके एलिक्सिर की क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे एक मिनियन मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो गाइज, मैंने आपको बार बार कहा है यही चीज़ कि आप जो फार्मिंग है वो माइनर से किया करें, माइनर्स बहुत अच्छे ट्रूप हैं। और जब से ये बफ आया है माइनर का, जो उनकी स्पीड इंक्रीज़ की गई है, उसके बाद से माइनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, पहले से भी अच्छे हो गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फार्मिंग के लिए। तो मैं हर एक अकाउंट में, मेरा टाउन हॉल 10 हो 11 हो 12 हो, हर एक अकाउंट में मैं अभी फिलहाल माइनर्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू इतनी अच्छी मिल रही है माइनर्स के साथ कि बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक अटैक किया, कुछ लूट वगैरह गैदर किया। अब एक अटैक हम लोग और करने जाएंगे, पर उससे पहले कुछ चीज़ें मेरे को फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मेरे हीरोज डाउन हो चुके हैं, उसी के साथ ट्रूप्स तो मेरे ट्रेन हैं, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेकेंडरी आर्मी फिर से ट्रूप ट्रेन होने में, और क्लैन कासल रिक्वेस्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अभी थोड़े हीरोज को उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। 8 जेम्स वर्थ इट है मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए, 8 जेम्स तो वर्थ इट है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को सीसी के ट्रूप्स मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे को जायंट्स मिल चुके हैं, उसी के साथ मेरे को रेज मिल जाना चाहिए फटाफट। रेज भाई साहब, कोई रेज दे दो भाई, कोई रेज दे दो। चलिए मैं खुद से ले लेता हूँ, मैंने अपना अकाउंट भी खोल रखा है, क्योंकि मेरे को पता है एक वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को ज़रूरत पड़े। ओ, रेज तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, मैं भूल गया था टाउन हॉल 11 में अटैक करते करते ये चीज़ें थोड़ी गलती हो जाती है मेरे से। तो चलो, यहाँ पे हमने ले लिया है पॉइजन स्पेल, और हीरोज़ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं, सिर्फ 4 मिनट्स। तो अभी बूस्टर्स बस 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट तक गाइस मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस वाली अकाउंट में आप देख सकते हैं
वॉल्स मेरे काफी अपग्रेड हो चुके हैं, तो मैंने यही टारगेट रखा है कि जैसे ये लेयर्स, ये जो दो लेयर और हैं जो वॉल्स 8 लेवल के हैं, ये जैसे 9 लेवल के हो जाएंगे, मैं एक अच्छा बेस डिजाइन बनाऊंगा। और फार्मिंग के लिए बेसिकली वॉर डिजाइन, वॉर का बेस अभी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉर तो मैं अभी खेल ही नहीं रहा हूं, तो एक फार्मिंग के लिए हम लोग बेस डिजाइन बनाएंगे और बाकी का चीज हम लोग धीरे धीरे और अपग्रेड करेंगे। ट्रैप्स मेरे बहुत लो हैं, जो चीजें अच्छी हुई है मेरे बेस में अभी तक वो है इन्फर्नो टावर्स मेरे मैक्स आउट हो चुके हैं, मेरे एक्सपोज मैक्स आउट हो चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। बाकी डिफेंसेस को अपग्रेड करने में टाइम लगेगा और सारे बैरक्स मेरे अपग्रेड हो चुके हैं। मीनवाइल सब कुछ मेरा अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे। चार बिल्डर फ्री है, एलिक्सिर है, गोल्ड है, तब तक फिक्स्ड आउट करते हैं कि कौन से चीजें हम लोग अपग्रेड करेंगे। पहला एक चीज जो मेरे नजर में आ रहा है ये हिडन टेस्ला जो सिर्फ लेवल 2 का है, तो ये एक अपग्रेड होगा। जो मोटार्स हैं वो थोड़े लो लेवल के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटार्स जो हैं लेवल 5 के हैं, तो मोटार्स में एक दो अपग्रेड करूँगा। और क्योंकि 12 घंटे बाद मेरा लैब फ्री हो जाएगा, तो एलिक्सिर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सेव करने की। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, अटैक में चलते हैं फिर से और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो एक अच्छा बिर से मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया होता है। ये स्वीट स्पॉट है, काफ़ी अच्छे लूट मिलते हैं यहाँ पे गाइज। ये जो क्रिस्टल लीग है ना, क्रिस्टल और गोल्ड के बीच में ये जो लीग्स होते हैं, काफ़ी अच्छे लूट मिलते हैं यहाँ पे। डेड बेसिस की तो भरमार लगी रहती है। मैंने अपने मेन अकाउंट को भी थोड़ा ट्रॉफी ड्रॉप किया हुआ है ताकि वहाँ पे भी मेरे को कुछ अच्छे बेसिस मिल जाएँ और जो फार्मिंग है मेरी वो फटाफट हो जाए। क्योंकि देखिए टाउन हॉल 12 मूव करने के बाद से जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो मेरे को बहुत कुछ अपग्रेड करना है यहाँ पे गाइस। बहुत अच्छा क्वांटिटी में गोल्डन एलिक्सिर है, टाउन हॉल 9 है, इसीलिए हम लोग इजीली से 3-स्टार भी कर देंगे और जो लूट है उसे भी फुल्ली गैदर करेंगे। तो हम मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्लैन कासल में यूज़ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लैन कासल यूज़ करूँगा तो फटाफट मेरे को फिर से वो नहीं मिलेगा, ट्रॉफी ट्रूप्स नहीं मिलेंगे क्लैन कासल में, क्योंकि अभी जस्ट मैंने रिक्वेस्ट किए थे थोड़ी देर पहले। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे किंग एंड यहाँ पे क्वीन डिप्लॉय कर देता हूँ और विजर्ड्स थोड़े यहाँ पे हेल्प करेंगे मेरी किंग को। बिल्कुल सही, अब मैं माइनस को ड्रॉप करूंगा सेंटर पे, क्योंकि दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा फनल क्रिएट हो चुका है। तो अब सारे मैंने माइनस को ड्रॉप कर दिए हैं और हीरोज़ की एबिलिटी यूज़ कर लेता हूं, क्योंकि हीरोज़ थोड़े ड्राई हो रहे थे। चलिए अब बिल्कुल सही है, हम लोग आराम से शायद इस बेस को क्लियर कर देंगे एंड पूरा जो लूट है यहां से वो भी हम लोग उठाएंगे। काफ़ी अच्छा लूट मिल रहा है आजकल ये लो लीग्स में, क्योंकि डेड बेसिस मिलते हैं काफ़ी, जो कि बहुत हेल्पफुल फार्मिंग के लिए। फार्मिंग के लिए डेड बेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेड बेसिस जितने अमाउंट्स में आपको मिलते रहेंगे उतनी जल्दी आप फार्मिंग जो आपके हीरोज़ अपग्रेड करने हैं, आपको अपने डिफेंस अपग्रेड करने हैं, जो कि बहुत हेल्प हो जाती है आपकी अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेड बेस की क्वान्टिटी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे ये क्या देख रहा हूँ मैं, व्हाट द हेल यहाँ पे क्या हो रहा है ये, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरे को पता नहीं चला कि इस साइड में कोई माइनर्स आए नहीं थे, बहुत कम माइनर्स आए थे, तो मैंने यहाँ पे दो स्पेल्स बर्बाद किए, एक हील मैंने बर्बाद किया, एक रेज भी बर्बाद किया मैंने। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई कि माइनर्स के साथ ये छोटा सा एक इशू होते रहता है कि बहुत टाइम में आप उसे ट्रेस नहीं कर पाते कि कहाँ पे माइनर्स हैं, कहाँ पे आप स्पेल डालें, कहाँ पे ना डालें, तो कभी कभी ये छोटी सी गलती हो जाती है। पर कोई बात नहीं, अभी अटैक तो ठीक चल रहा है, एक विजिट टावर से बचा है जो स्प्लैश में डैमेज करेगा, तो मेरे ख्याल से ये बेस क्लियर हो जाना चाहिए, ज़्यादा कोई इशू होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक मिनियन है मेरे पास, तो ये मिनियन को मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ ताकि मेरे माइनस भटक ना जाए। माइनस के साथ ये बहुत अक्सर होता रहता है कि वो इधर उधर चले जाते हैं, पर इस सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता कि माइनस कहीं भी इधर उधर जाएंगे। तो हम हील स्पेल के साथ ये एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आप माइनस जाएंगे वहीं पे डालिएगा। जैसे कि लास्ट सिचुएशन में मेरा हुआ, थोड़ा सा मैंने गलत देखा, मैंने सोचा था यहाँ पे बहुत सारे माइनस गए हैं पर कोई माइनस गए नहीं थे वहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे हमें फेस करना पड़ा था। तो चलिए एक अटैक हमने और कंप्लीट किया और थोड़ा सा लूट और गैदर कर लिया हमने। अब एक फाइनल रेड करेंगे, उसके बाद अपने अपग्रेड जो हैं वो फटाफट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो मेरे सारे आर्मी रेडी हैं, नहीं है तो मैं थोड़े से जेम्स यूज़ करूँगा यहाँ पे, 16 जेम्स बहुत ज़्यादा है। चलो बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है। और हीरोज़ के लिए मेरे को यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे 8 जेम्स एंड यहाँ पे ज़्यादा जेम्स हैं भी नहीं मेरे पास, यहाँ पे भी 8 जेम्स। तो चलिए हम लोग रेडी हैं और ये फाइनल रेड होने वाला है इस एपिसोड का, उसके बाद हम लोग अपग्रेड्स में डालेंगे, देखते हैं क्या क्या अपग्रेड्स में डाल पाता हूँ। फिर से एक बढ़िया लूट मिल जाए फटाफट तो बहुत सही होगा। ओहो हो हो, भाई साहब मज़ा आ गया। चलो तो यहाँ पे हम लोग फार्म करने वाले हैं, ये बेस को पूरा हम लोग उड़ाएंगे और आराम से ये लूट लेंगे। मैं एक काम करता हूँ गाइस, ये इतना अच्छा मेरे को एक बेस मिला, मैं सोच रहा हूँ इसे मैं थंबनेल बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया,
स्क्रीनशॉट लेना है मेरे को, वॉल्यूम डाउन नहीं करना, स्क्रीनशॉट यस ये तो चलिए यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला, अब तो मेरे को हीरो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ अपने हीरोज़ को, तो यहाँ पे मैंने हीरोज़ को यूज़ करे, यहाँ पे मैंने किंग को डिप्लॉय, क्वीन को डिप्लॉय किया और यहाँ पे मैं किंग को डिप्लॉय करूँगा, पर उससे पहले ही यहाँ पे आर्चर टावर ने मेरे क्वीन को टारगेट ले लिया, ये अच्छी बात नहीं है। अब सारे माइनर्स मैं सेंटर में ड्रॉप कर दूंगा, ईच एंड एवरी माइनर को मैं सेंटर में ड्रॉप कर दूंगा, क्वीन की हेल्थ कम हो रही है। चलो जाइंट्स को थोड़ा साइड से यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही, हॉग्स को यहीं पे छोड़ते हैं, विजर्ड्स हैं मेरे पास, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरे जाइंट्स थोड़े से ड्राई हो रहे हैं यहाँ पे, तो अब हील स्पेल्स की यूज़ करने की टाइम आ चुकी है, तो यहाँ पे एक हील, यहाँ पे सेकेंडरी हील, चलो बड़ा सही जा रहा है अटैक, तो ये एयर डिफेंस निकल जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना बेबी ड्रैगन को डिप्लॉय करूँगा इस विजर्ड टावर को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे बहुत ही डेंस बहुत सारे स्ट्रक्चर रे स्पेल यूज़ कर लूँगा, तो अटैक बिल्कुल सही जा रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस अटैक में, आराम से ये क्लियर होगा बेस। दो हील अभी भी बचे हुए हैं मेरे पास, तो एक हील और यहाँ पे मैं डिप्लॉय करूँगा, क्योंकि एक विजर्ड टावर है यहाँ पे जो कि थोड़ा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मेरे माइनर्स को, पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते माइनर्स, बेचारे माइनर्स। फाइनल हील जो कि मैं डिप्लॉय अगर नहीं भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं डिप्लॉय कर दूंगा क्योंकि कुछ वापस लेके जाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे होता क्या है जो प्रीवियस आर्मी बनी रहती है वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पर जाइंट बम वगैरह थे, मेरे को लगा था जाइंट बम्स नहीं रहेंगे क्योंकि डेड बेस था, पर फिर भी जाइंट बम थे, ये बहुत बढ़िया बात है, तो ये बेस भी क्लियर हो गया गाइज, और जो लूट मिला हमें यहाँ पे भाई बहुत सही है, बहुत सही लूट मिला हमें यहाँ पे, और गाइज ये सारे बेसिस को हमने क्लियर किए हैं एंड लूट जो है इनके अचीव किए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग अपग्रेड करेंगे, अब देखते हैं। आजा भाई आजा, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक हिडन टेस्ला है जिसे मैं अपग्रेड करूँगा, तो ये गया फर्स्ट अपग्रेड। अब यहाँ पे मोटार्स को अपग्रेड करना है, तो 16 लाख, तो ये गया एक मोटार अपग्रेड, एंड अभी भी 23 लाख गोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, तो 23 लाख गोल्ड में मैं क्या करने वाला हूँ, वन मोर मोटार अपग्रेड, ठीक है, या फिर एक एयर डिफेंस अपग्रेड करते हैं, दो मोटार से बढ़िया एक एयर डिफेंस अपग्रेड करते हैं, एयर डिफेंस जो है वो लेवल 5 के हैं यहाँ पे, एक लेवल 6 का एयर डिफेंस है, नहीं ये भी 6 नहीं है, ये वाला 6 है, तो इस वाले एयर डिफेंस को मैं अपग्रेड कर देता हूँ 20 लाख गोल्ड, और अभी भी एक बिल्डर फ्री है हमारे पास। वैसे एलिक्सिर से मैं कुछ करना नहीं चाहता था क्योंकि 12 आवर्स के बाद जो लैब है वो फिनिश हो जाएगा, पर अभी मेरे को लग रहा है कि एलिक्सिर से कुछ करना पड़ेगा वरना एक बिल्डर मेरा फ्री रह जाएगा। कुछ ट्रैप्स हैं जिसे मैं अपग्रेड कर सकता हूँ मेरे ख्याल से, एक बार सर्च कर लेता हूँ कोई अगर ऐसा ट्रैप है जिसे मैं अपग्रेड कर सकूँ अभी तो बढ़िया होगा। फिलहाल ये वाला जो स्केलेटन ट्रैप है ये तो अपग्रेडेड है, कुछ बम्स हैं छोटे बम्स जिन्हें मैं अपग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि उनके लिए भी इनफ गोल्ड नहीं है मेरे पास, तो मेरे ख्याल से मेरे को एक डार्क एलिक्सिर ड्रिल जो है वो अपग्रेड कर लेना चाहिए, या फिर मैं ये एलिक्सिर जो स्टोरेज है वो भी अपग्रेड कर सकता हूँ, तो ये एलिक्सिर स्टोरेज हम लोग अपग्रेड करते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही वाइटल है, क्योंकि मेरे हीरोज़ अब थोड़े थोड़े लेवल अप होने लगे हैं तो मेरे को ज़्यादा डार्क एलिक्सिर रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो चलिए फाइनल अपग्रेड जो है ये एपिसोड का वो है डार्क एलिक्सिर स्टोरेज, तो चलिए डार्क एलिक्सिर स्टोरेज को मैंने अपग्रेड डाल दिया और सारे बिल्डर्स मैंने बिजी करवा दिए हैं। अब और फार्मिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12 आवर्स के बाद ये जो लैब है वो फ्री हो जाएगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही था, बहुत सारा हमने फार्म किया, बहुत सारे अपग्रेड्स हमने डाले एंड मज़े किए हमने, तो गाइज मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या लगा आपको, अच्छा क्या लगा आपको बुरा, और लाइक करना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, डिसलाइक करना अगर आपको अच्छा नहीं लगा, एंड कमेंट करना अगर आप अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे रहना एंड एज यूजुअल जय हिंद।